पैन कार्ड से आप अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री को तो ट्रैक कर ही सकते हैं, साथ ही आप पैन कार्ड को काफ़ी जगहों पर आइडेंटिटी प्रूफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए पैन कार्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये पैन कार्ड आपका हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए, जैसे कि आपका फोटो और सिग्नेचर, इसके अलावा जो आपकी डिटेल्स है, नेम, फादर नेम और DOB, ये सब कुछ भी करेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपका पैन कार्ड पुराना बना हुआ है और आपने काफ़ी टाइम से अपने पैन कार्ड पर फोटो और सिग्नेचर अपडेट नहीं किए हैं, या फिर अगर आपने इनकम टैक्स पोर्टल से अपना फ्री पैन कार्ड अप्लाई किया है जिस पर आधार कार्ड वाला फोटो प्रिंट किया जाता है और आपको सिग्नेचर भी नहीं दिए जाते हैं, तो उस पैन कार्ड पर भी आप अपनी पसंद का फोटो और सिग्नेचर अपडेट करवा सकते हैं। पैन कार्ड पर फोटो और सिग्नेचर अपडेट कराने के लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं पर डॉक्यूमेंट्स फिजिकली सबमिट करने होंगे। आप ऑनलाइन ही ये काम अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करने का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पैन कार्ड में फ़ोटो और सिग्नेचर अपडेट करने के लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 3 डॉक्यूमेंट्स आपके ये मैंडेटरी हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ही आप अपना नया फोटो और सिग्नेचर अपडेट कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले आपको अपना फोटो कैप्चर करना है, जिसका फॉर्मेट आपको JPG या फिर JPEG में रखना है, और फोटो का डायमेंशन 2.5x3.5 cm में रखना है, और फाइल का मैक्सिमम साइज 50 KB तक रखना है, और फोटो का बैकग्राउंड आपका सिंगल कलर में होना चाहिए, कोई भी कलर हो सिंगल कलर होना चाहिए। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका सिग्नेचर, और इसका डायमेंशन आपको 4.5x2 cm में रखना है, और फाइल का मैक्सिमम साइज आपको 50 KB तक रखना है। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड की PDF अपलोड करनी होगी। आधार कार्ड की PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। PDF का मैक्सिमम साइज आप 300 KB तक रख सकते हैं। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास पैन कार्ड की कॉपी अवेलेबल है तो आप पैन कार्ड की कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। इसको भी आपको PDF में ही अपलोड करना होगा और इसका साइज भी आपको मैक्सिमम 300 KB तक रखना होगा। तो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं और पैन कार्ड ये आपका ऑप्शनल है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स का साइज या फिर डायमेंशन वगैरह मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देखने के बाद अपने मोबाइल फोन से ही डॉक्यूमेंट्स का जो साइज और डायमेंशन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आपको NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो इसका लिंक आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन पेन सर्विसेज, इस पर ओके करेंगे। पेपरलेस पेन एप्लीकेशन, इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, न्यू पेन इंडियन सिटीजन, न्यू पेन फॉरेन सिटीजन, और तीसरा ऑप्शन है चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पेन डेटा। तो यहाँ पर आपको तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे इंडिविजुअल। यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट करेंगे, श्री, श्रीमती या फिर कुमारी। अब यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम फिल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडल नेम एंड यहाँ पर लास्ट नेम। अगर एप्लीकेंट का सिंगल नेम है तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम में फिल कर देना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मेट देख सकते हैं, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। यहाँ आप चाहें तो कैलेंडर से भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट इंडियन सिटीजन है तो आप इसको यस कर देंगे। यहाँ पर पैन नंबर फिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पर कंसेंट देंगे और कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। आपको इस टोकन नंबर को नोट करके रख लेना है। ये टोकन नंबर आपको तब काम आएगा अगर आपका एप्लीकेशन फिल करते टाइम ब्राउजर कट जाता है या आपका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप इस टोकन नंबर से ही अपने एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर ओके करेंगे। अब आपको कंप्लीट फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर इसमें आपको दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ईसाइन। सिर्फ इसी ऑप्शन से आप पैन कार्ड में फोटो और सिग्नेचर अपडेट कर सकते हैं, और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP सेंड किया जाता है। तो अगर आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब आप इस ऑप्शन से फोटो और सिग्नेचर अपडेट नहीं कर सकते हैं, तब आपको ये तीसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। और इसमें फिर आपको फॉर्म फिल करने के बाद उसको प्रिंट निकालना होगा, उसके ऊपर आपको फोटो पेस्ट करने होंगे, सिग्नेचर करने होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद NSDL के पैन कार्ड ऑफिस पर सेंड करने होंगे। तो इस पर मैंने एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपके आधार कार्ड पर बाय चांस मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप उस वीडियो को देख के पैन कार्ड में फोटो सिग्नेचर या कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, यस और नो। अगर आपको पैन कार्ड की फिजिकल और डिजिटल दोनों कॉपी चाहिए तो आप इसको यस रखेंगे, और अगर आपको पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी नहीं चाहिए तो आप इसको नो करेंगे। अगर आप पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी लेते हैं इंडियन एड्रेस पर तो आपको 107 रुपीज
पे करने होते हैं, और अगर पैन कार्ड की सिर्फ डिजिटल कॉपी लेते हैं तब आपको 66 रुपीज पे करने होते हैं। तो इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पैन कार्ड की दोनों कॉपी अप्लाई करें, फिजिकल और डिजिटल। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे यस। यहाँ पर आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट फिल करेंगे, यहाँ पर नेम फिल करेंगे एज पर आधार। यहाँ पर आपका नेम बाय डिफॉल्ट फिल रहेगा, यहाँ पर आपकी DOB भी बाय डिफॉल्ट फिल रहेगी। जब हमने टोकन नंबर जनरेट किया था वहाँ पर जो हमने डिटेल्स फिल की थी वो सारी डिटेल्स आपको बाय डिफॉल्ट फिल मिलेगी। यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको फादर नेम फिल करना है, यहाँ पर फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम एंड यहाँ पर लास्ट नेम। अगर फादर नेम का सिंगल नेम है तो यहाँ आपको लास्ट नेम सरनेम में फिल कर देना है। यहाँ पर आप मदर्स नेम भी फिल कर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप पैन कार्ड पर फादर नेम प्रिंट करना चाहते हैं या फिर मदर नेम प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप मदर्स नेम प्रिंट करते हैं तो आपको यहाँ पर फिर मदर्स नेम भी फिल करना होगा। तो इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे मदर्स नेम, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एड्रेस की डिटेल्स देनी है फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पर इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे रेसिडेंस, यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पर फ्लैट, रूम, डोर या ब्लॉक नंबर, यहाँ पर विलेज का नेम फिल करेंगे, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस फिल करेंगे, यहाँ पर एरिया लोकेलिटी फिल करेंगे, यहाँ पर टाउन, सिटी या डिस्ट्रिक्ट का नेम एंटर करेंगे, यहाँ पर कंट्री नेम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना पिन कोड फिल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको कंट्री कोड सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप कंट्री का नेम फिल करेंगे तो यहाँ पर कंट्री कोड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ये भी बाय डिफॉल्ट फिल रहेगी। अगर आप यही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पैन कार्ड के साथ अपडेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी डिटेल्स, इसको आपको चेक कर देना है। फिर आपका यही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पैन कार्ड के साथ अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड। इसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें भी हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे। और प्रूफ ऑफ पैन, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड की कॉपी अवेलेबल है तो आप कॉपी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैन कार्ड की कॉपी अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है, यहाँ पर आप सिलेक्ट में हिमसेल्फ हरसेल्फ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका नेम ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं नंबर में, कितने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 डालेंगे, और आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 एंटर करेंगे। यहाँ प्लेस में आप अपनी सिटी का नेम फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का फॉर्मेट आपको जेपीईजी में रखना है, 200 DPI, डायमेंशन 3x2.5 cm, और फाइल का मैक्सिमम साइज 50 KB तक रखना है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, फोटो की लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे एंड अपलोड। फोटो अपलोड हो गया है, इसी तरह से आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फोटो एंड सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए यहाँ एड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम पैन कार्ड को भी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोनों डॉक्यूमेंट्स हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड और पैन कार्ड ये दोनों डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आधार कार्ड के शुरू के 8 डिजिट फिल करेंगे। अब आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो सारी डिटेल्स आप एक बार यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर डिटेल में कहीं भी कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। तो हमारी सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट है, यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल्डेस। 106 रुपीज एंड 90 पैसे का पेमेंट करना होगा, क्योंकि हमें फिजिकल और डिजिटल दोनों पैन कार्ड अप्लाई करने हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड, वॉलेट या फिर UPI। तो इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे QR, भीम UPI, मेक पेमेंट। QR कोड ओपन हो चुका है तो आपको इसको स्कैन करना है और पेमेंट को पे कर देना है। पेमेंट पे करने के बाद आपको यहाँ पर वेट करना है। ब्राउजर को आपको रिफ्रेश नहीं करना है और ना ही इसको क्लोज करना है, ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब आधार ऑथेंटिकेट करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर कंसेंट देना है, इसके बाद ऑथेंटिकेट, इस पर ओके करेंगे। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद OTP ऑथेंटिकेशन करेंगे, इस पर ओके करेंगे। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP फिल करने के बाद सबमिट करेंगे। इसके बाद eSign वेरीफाई करेंगे, कंटिन्यू विद eSign। यहाँ पर वर्चुअल ID नंबर या फिर आधार नंबर फिल करेंगे, कंसेंट देंगे, इसके बाद सेंड OTP। अब फिर से आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP फिल करने के बाद वेरीफाई करेंगे एंड फाइनली हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फॉर्म की एक PDF फाइल जनरेट हो चुकी है जिसको आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड PDF, इस पर ओके करेंगे। PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी और इसको आप यहीं से ओपन करके भी देख सकते हैं। ये फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है, इसमें आपको एक पासवर्ड एंटर करना होगा और पासवर्ड में आपको अपनी DOB फिल करनी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डीओबी है 1/1/2001 है तो आपको 01/01/2001 यहाँ पर फिल करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद ओके करेंगे, पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स होगी, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है, और इस फॉर्म में आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी मिल जाता है। इस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। साथ ही एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दी जाती है। एप्लीकेशन ट्रैक करने के लिए आपको इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को कॉपी कर लेना है, एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ नो स्टेटस ऑफ पेन इस पर ओके करेंगे, इसमें सिलेक्ट करेंगे पेन न्यू चेंज रिक्वेस्ट, यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर ये कैप्चा फिल करेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे तो आपके पैन कार्ड का जो भी करंट स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप 24 आवर्स के बाद ही स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप इंस्टेंट स्टेटस चेक करेंगे तो आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखाएगा, क्योंकि स्टेटस को अपडेट होने में मिनिमम 24 आवर्स का टाइम लग जाता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपके पैन कार्ड पर फोटो और सिग्नेचर अपडेट होने में 24 आवर्स से लेके 7 डेज तक का टाइम लग जाता है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन अपडेट होता है तो आपकी ईमेल आईडी पर आपके पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी सेंड कर दी जाती है, और पैन कार्ड की फिजिकल कॉपी आपके एड्रेस पर 7-15 डेज के अंदर सेंड कर दी जाती है। सो ये कंप्लीट वीडियो है। इस तरह से आप पैन कार्ड पर फोटो और सिग्नेचर ऑनलाइन ही अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी ऑफलाइन कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।